हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फिर से एक नए से वीडियो में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। जिस किसी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैं आज वीडियो लंबा नहीं करने वाला हूँ, छोटा वीडियो बनाने वाला हूँ, और छोटा वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है कि पूजा करने के बाद क्या आप लास्ट में आरती करते हो। मतलब आरती क्या, मतलब आरती का मतलब होता है कि आप मतलब ये मतलब सिंपल जो दीप आप जलाते हो उसी से आप आरती भी कर सकते हो। जैसे कि अगर पूजा सारा आपका फिनिश हो गया, लास्ट में आप आरती जरूर करें। जैसे कि आरती में आप किसी के पास टाइम नहीं रहता है तो आप थोड़ी है कि आप सारे प्रभु का आप आरती गाओ, ऐसा नहीं है। मैं बोलता हूँ कि आप दीप जो है उसी दीपक को उठा के आप प्लेट उठा के आप आरती कर सकते हो। कर्पूर गरम करना अवतारंग संसार सारंग भुजगेंद्र हारम सदावसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी शहितम नमामि। कर्पूर गरम का आप लोग आरती कर सकते हो। जैसे पूजा सुबह में सिर्फ 2 सेकेंड लगता है यार, 2 सेकेंड लगता है। अगर पूजा कर रहे हो तो अच्छी तरह से करो, ठीक है। आरती कर लो, उसके बाद जयकारा लगा दो प्रभु का, उसके बाद फिर आरती दिखा दो प्रभु का। मतलब उसको अर्घा से पहले पानी से थोड़ा दीप को थोड़ा 3 बार या 5 बार आप करके उसके बाद ही आरती दिखाया जाता है प्रभु को, उसके बाद खुद आरती लीजिएगा। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो, कि अगर आप सुबह में पूजा कर रहे हो तो आप लोग आरती जरूर से जरूर कर्पूर गर्म कर्णावतारंग का आरती करें। और शाम को अगर पूजा कर रहे हो, शाम को आप अगर सांझ दिखा रहे हो प्रभु को तो वो भी पूजा करना ही माना जाता है। तो शाम पर अगर आप पूजा कर रहे हो, मैं तो बोलूंगा कि शाम पर भी अच्छे से पूजा करो। अगर हो सके तो नहा धोवा के ही पूजा करो, मैं बोलूंगा। अगर सब कुछ अच्छे से करोगे तो अच्छा रहेगा। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, क्यों मैं नहा के बोलूंगा पूजा करने के लिए। अगर नहीं, अगर संभव है तो मत करो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। जो होता है संभव उतना करो, जिससे होता है करो, नहीं होता है तो मत करो। बस प्रभु श्रद्धा से खुश हो जाते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो भी एक अच्छी बात है। आप शाम में भी कर्पूर गरम का आरती कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में रुके हुए काम बनते जाएंगे, पता नहीं आपके ज़िंदगी में अपने आप सब कुछ अच्छा होता चलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ, अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगेगा। पॉजिटिविटी फील करिएगा, आप लोग खुद अच्छा लगेगा आपको। तो कहा जाता, मैं सुना, खुद सुना हूँ कि पूजा आरती के बिना अधूरी है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग अगर शाम में संभव नहीं है, शाम में दीप जला के ठीक है, लेकिन सुबह में जरूर से जरूर आप लोग कर्पूर गरम का आरती जरूर से जरूर करें। अगर पूजा पाठ आप लोग बड़ा सा कर रहे हो, जैसे कि लक्ष्मी पूजा है उसमें तो आरती ऑब्वियसली है कि आरती मैया लक्ष्मी का होगा। जन्माष्टमी में कान्हा का होगा, बजरंगबली के दिन बजरंगबली का होगा। अभी अभी सावन का समय चल रहा है तो मेरे महादेव का होगा आरती। ऑब्वियसली है कि सभी भगवान का पूजा पाठ में होता ही होता है। लेकिन डेली रूटीन में आप लोग पूजा करते हो तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि जब इतना अगर अगर टाइम है आप लोग कुछ करो या ना करो, आप धूप बत्ती दिखा के सिर्फ कर्पूर गरम का आरती भी कर लोगे ना, प्रभु बहुत खुश हो जाएंगे। प्रभु भाव देखते हैं, प्यार देखते हैं, प्रभु मिठाई नहीं देखते हैं, फूल नहीं देखते हैं, धूप बत्ती नहीं देखते हैं। तो आप लोग कर्पूर गरम का आरती भी करिए, आप लोग के ज़िंदगी में अच्छा ही अच्छा होगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, जय श्री राम।